कनेक्शन में जैसे कि प्रथा है हम मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं, तो आज हमारे साथ एस्ट्रल का मैनेजमेंट जुड़ेगा। प्लंबिंग सेक्टर के कई प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये कंपनी एडिसिव और पेंट भी बनाती है, और कंपनी की आगे की ग्रोथ आउटलुक और चौथे तिमाही के नतीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एस्ट्रल के CFO हीरानंद सवलानी, लेकिन उनसे बातचीत हम शुरू करें उससे पहले कंपनी के एक सफ़र पर नज़र डाल लेते हैं। जब बात इंफ्रा की रफ्तार की हो तो देश के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ इससे जुड़े कई दूसरे सेक्टर में भी कई नए मौके बनते हैं, और इस लिस्ट में पाइप इंडस्ट्री का नाम भी शुमार होता है। फिर चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या वाटर सप्लाई सिस्टम और सिंचाई, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन हो या सीवरेज सिस्टम, दमदार डिमांड से पाइप इंडस्ट्री की ग्रोथ ने नई रफ्तार पकड़ी है। 1996 में बनी एस्ट्रल भी कामयाबी की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रो इंडिया प्लंबिंग एंड ड्रेनेज मैन्युफैक्चरिंग को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही एस्ट्रल पिछले कुछ सालों से एडिसिव कारोबार में भी अपने कदम बढ़ाए हैं, और फिलहाल कंपनी का कारोबार प्लंबिंग के साथ साथ पेंट और एडिसिव से जुड़ा है। प्लंबिंग सेगमेंट में पाइप फिटिंग वाटर टैंक और वाथवेयर के कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इस सेगमेंट में डिमांड कैसी है, कंपनी की विस्तार योजनाएं क्या हैं, एडीसी बिजनेस में ग्रोथ और मार्जिन के क्या आउटलुक हैं, इन तमाम पहलुओं के साथ साथ कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एस्ट्रल के मैनेजमेंट। चलिए, एस्ट्रल के CFO हीरानंद सवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और यहाँ पर अगर हम पाइप वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो ये कितनी दर्ज हुई है और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं, इसको लेकर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हमको सबसे बेस्ट ग्रोथ दिया है इस साल के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनली हमारा 15% वॉल्यूम का गाइडेंस था, जो हमने फर्स्ट हाफ के बाद रिवाइज करके 20% किया था, और एक्चुअल डिलीवरी है 23% के आसपास। तो पाइप ने तो बहुत अच्छा शानदार ग्रोथ दिया है, और जिस तरह से अभी मार्केट की सिचुएशन है तो उससे तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही बम्पर ग्रोथ आएगा। तो 15-20% वॉल्यूम नेक्स्ट ईयर करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, और अगर फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर का अच्छा रहता है तो हम फिर गाइडेंस उसको अपवर्ड रिविजन भी कर सकते हैं। हीरानंद जी, यहाँ पर अगर हम फॉसिल्स या सैनिटरी वेयर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अपमूव आता हुआ दिखाई दिया है, इसको लेकर जो परफॉर्मेंस है आने वाली तिमाहियों में भी क्या बरकरार रहेगी? तो फॉसिल ने सबसे बेस्ट क्वार्टर दिया है, लास्ट क्वार्टर में करीबन 24-25 करोड़ का रेवेन्यू दिया है। तो नेक्स्ट ईयर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये डिविजन भी हमको कम से कम 125-150 करोड़ का रेवेन्यू तो आराम से दे देगा। आपका जो कंसोलिडेटेड कैश और बैंक बैलेंसेज है, इसके इस्तेमाल को लेकर आपने कोई योजना बनाई है, इन फंड्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तो देखिए, एक तो हमारा डिविडेंड पे आउट होगा इसमें से, और सेकेंडली हम लोगों ने काफी सारे एक्सपांशन के प्लान वर्कआउट करके रखे हुए हैं, तो काफी सारा कैश हम उसमें भी यूटिलाइज करने वाले हैं। और हमारी कंपनी एक्विजिशन भी देखती ही रहती है, अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है पाइप के अंदर तो हम वो भी देख सकते हैं। तो हम लोग सब तरह से ओपन माइंडेड है, बट डेफिनेटली इस कैश का हम यूटिलाइज करने वाले हैं, अदरवाइज बुक्स पे रखने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो डेफिनेटली इस कैश को हम लोग नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज करने वाले हैं। कंपटीशन को लेकर और अपने मार्केट शेयर को लेकर CPVC में आप कैसे अब आगे बढ़ रहे हैं? CPVC में अगर हम ट्रेंड्स जानना चाहें तो किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है? कंपटीशन तो जब से कंपनी शुरू हुई है तब से चालू ही है, तो कंपटीशन तो कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया का मार्केट साइज ही इतना 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट साइज है, तो उसके अंदर कंपटीशन तो हमेशा रहने वाली है। बट अगर आप देखिए तो पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली हम लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री ने तो हार्डली 10-12% का ग्रोथ किया होगा, जबकि हमारी कंपनी ने 23% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है। और ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग तो कंटिन्यूअसली नए नए प्लांट डालते ही जा रहे हैं। लास्ट में ईयर में हमारे 2 ईस्ट में प्लांट आए थे, गुवाहाटी में आए थे और कटक में आया था, और ये साल में भी 2 और प्लांट आ रहे हैं। हैदराबाद का प्लांट तो अभी रिसेंटली शुरू हो रहा है जून के अंदर, और कानपुर का प्लांट ईयर एंड तक रेडी हो जाएगा, तो 2 नए प्लांट भी आ जाएंगे। और अगर ग्रोथ ऐसा ही मेंटेन करेगा तो आगे जाके हम और भी प्लांट डालेंगे। तो कॉम्पिटिशन तो आती रहेगी, बट एज लॉन्ग एज हम लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं तो हमको कॉम्पिटिशन से डरने की कोई जरूरत नहीं।
हैदराबाद प्लांट को लेके जानकारी आपसे चाहिए थी कि ये ऑपरेशनल कब तक हो पाएगा, जून के अंत तक, क्या आप वो टाइमलाइन पर अभी भी चल रहे हैं, और इसमें इसका इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर कितना बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? तो हैदराबाद के प्लांट से हमको काफी फायदा होगा। अगर देखिए तो ऑलरेडी हमारा साउथ में अच्छा मार्केट है, बट क्या होता है कि काफी सारी प्रोडक्ट की हमको गुजरात से सपोर्ट करनी पड़ती है, बिकॉज हमारा प्लांट वहाँ पे खाली हुसूर के अंदर ही है, और हुसूर के अंदर हम लोग सब प्रोडक्ट बनाते भी नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारी मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। जैसे ही ये प्लांट ऑपरेशनल होगा तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी और हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाएगा कि भाई प्लांट एकदम नजदीक आ गया है, तो वो लोग भी काफी अग्रेसिव हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि उस रीजन के अंदर हम मार्केट शेयर गेन करेंगे और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी काफी हैप्पीली हमारी प्रोडक्ट को पुश करेंगे, तो ये प्लांट के आने के बाद हमारा ग्रोथ काफी बढ़ेगा उस ज्योग्राफी के अंदर। इंफ्रा वर्टिकल में अच्छी ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर आपकी उम्मीदें नियर टर्म में, इस सेगमेंट को आप और कितना आगे बढ़ाना चाहेंगे, कितने बुलिश हैं आप? तो लाइक इंफ्रा ने सबसे बेस्ट ग्रोथ दिया है लास्ट ईयर के अंदर, पिछले 5 साल में इतना ग्रोथ नहीं आया होगा जितना इंफ्रा डिवीजन ने लास्ट ईयर में हमको ग्रोथ दिया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन इससे काफी हाई होती जा रही है, क्योंकि ये साल भी हमको लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो अच्छा ही रहने वाला है, तो इंफ्रा डिवीजन तो काफी अच्छा ही करने वाला है, इसलिए हमने इमीडिएट बेस पे 4-5 हजार मेट्रिक टन की कैपेसिटी बढ़ाई है, और हम दूसरा भी प्लान कर रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो सेकेंड हाफ में और भी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। जिस तरह से नंबर जा रहे उससे तो कॉन्फिडेंट डे बाय डे बढ़ रहा है, तो वी आर वेटिंग कि भाई एक बार फर्स्ट हाफ खत्म होने से आइडिया आ जाएगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, और नई गवर्नमेंट एक बार आ जाने के बाद उनका क्या इंफ्रा के ऊपर व्यू रहता है, उसके बेस पे हम लोग भी प्लान आउट करेंगे और जरूर पड़ेगी तो कैपेसिटी और भी बढ़ा देंगे। ये बताइएगा, कंपनी जो है ओपीवीसी मार्केट में भी एंटर करने को लेकर प्लानिंग कर रही है, यहाँ पर किस तरह का पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मौक़ों के लिहाज से दिखाई दे रहा है, और अगर हम एक्सपेक्टेशन जानना चाहें रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट पे कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, तो वो कितनी होगी? तो ओपीवीसी काफी अच्छी प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए, ओवरसीज में तो ये टेक्नोलॉजी काफी टाइम से चल रही है यूरोप में और उसमें, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी है इससे, क्योंकि इस पाइप की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़िया है, तो ये पाइप है ना प्रोजेक्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, और हमारे एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई है इस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना काफी वॉल्यूम में बिकती है, तो ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट से टॉप लाइन काफी फास्ट बढ़ सकता है, बट अभी हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए है, तो इसलिए हम लोग कुछ गाइडेंस के नंबर अभी नहीं शेयर करना चाहेंगे, बट हमारी एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट से हाई है। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट इंडिया में तो आ भी चुकी है, काफी प्लेयरों ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया है, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट भी इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रहेगी इन कमिंग टाइम। एडहेसिव बिजनेस की ग्रोथ और मार्जिन आउटलुक क्या होगा आपके लिए? तो एडहेसिव का इंडिया बिजनेस अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली 3-4 साल से 20% के सीएजीआर पे ग्रो कर रहा है, और मार्जिन भी देखोगे तो करीबन 15-16% ईबिटा मार्जिन कॉन्स्टेंटली डिलीवर कर रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। यूके भी ऑन एन एवरेज हमको डबल डिजिट ग्रोथ देता था, पर लास्ट ईयर में थोड़ा चैलेंज आया था क्योंकि वहां पे केमिकल के भाव काफी गिरने से और थोड़ा इकोनॉमिक चीजें स्लो होने की वजह से उस बिजनेस में हमको प्रेशर आया था, तो लास्ट क्वार्टर में तो हमने -3% ईबिटा था क्योंकि टॉप लाइन काफी इरोड हो गई थी, पर वो ये क्वार्टर में हमने काफी हद तक कवरअप कर लिया, ये क्वार्टर में हमने करीबन 7% के आसपास ग्रोथ भी किया हुआ है, और ईबिटा मार्जिन जो -3% था Q3 के अंदर वो इम्प्रूव होकर 5.5-6% आ गया है ईबिटा ये क्वार्टर के अंदर, तो इम्प्रूवमेंट आ गया, और नेक्स्ट ईयर से हमको नहीं लगता है कि कुछ भी बड़ी चैलेंज आने वाली है वहां पे भी, तो नेक्स्ट ईयर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम आराम से डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे और 10% के आसपास हमारा ईबिटा भी रहेगा। चलिए हीरानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और तमाम सवालों के जवाब दिए। हम लोग एस्ट्रल के मैनेजमेंट से बातचीत की है, अविनाश कोरक्षकर मेहमान के तौर पे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। बताएं अविनाश, आपने मैनेजमेंट की बातचीत भी सुनी है, अब क्या करना चाहिए निवेशकों को जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है या जो नया प्रवेश करना भी चाहते हैं, क्या सलाह होगी? देखिए, मेरे ख्याल से जो एस्ट्रल का बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट जैसे CFO साहब ने कहा कि हैदराबाद प्लांट आने के बाद इनको काफी अच्छा वॉल्यूम बेनिफिट मिलेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी कम हो जाएंगे, तो अगले 1.5 साल का अगर व्यू कोई लेता है तो मुझे लगता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं।
होपफुली आने वाला जो नया गवर्नमेंट आएगी उसके बाद नया बजट आएगा, इसमें हमको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बड़ी अच्छी पोजीशनिंग वापस मिलेगी और इससे कंपनी को काफी फायदा होना चाहिए। कंपनी एक पायनियर है, सीपीवीसी पाइप्स इंडिया में एस्ट्रल ने पहली बार लॉन्च किया था और तब से पायनियरिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, अभी एडेसिव्स में भी ये एंटर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना जरूरी है अगर कोई इन्वेस्टर को अभी भी खरीदना है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे पोजीशंस थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए, अगले साल डेढ़ साल में अच्छी खासी कमाई यहाँ से हो सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम दे दीजिए क्योंकि स्टॉक में मेरे ख्याल से बढ़त काफी हो चुकी है, तो अभी शायद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगले डेढ़ साल का अगर नजरिया कोई लेता है तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला कॉन्ट्रैक्ट।